तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले हैं कि जियो के कॉलर टून को कैसे सेट करें, है ना। अगर अपने दोस्तों या कोई भी आपके पास जो कॉल करता है, आप उसे एक मनचाहा गीत सुनाना चाहते हैं अपने कॉलर ट्यून पर लगा के, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जियो के एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। तो यहाँ पर मैंने जियो को यहाँ से सर्च कर लिया, आपको इसी तरह से सर्च करके इसे कर लेना है ओपन, इंस्टॉल कर लेना। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ से आपको जियो के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है कॉलर टोन सेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नीचे जियो टून्स, आपको इसी जियो टून्स पर क्लिक कर देना है कॉलर टोन सेट करने के लिए। अब आपको यहाँ पर तरह तरह के सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे, है ना। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, जो भी आप अपने कॉलर टोन पर सेट करना चाहते हैं, आप यहाँ से सर्च करके भी अपना मनचाहा सॉन्ग लगा सकते हैं अपने कॉलर टोन पर, है ना। नहीं तो आप यहाँ से भी आप ले सकते हैं कोई भी सॉन्ग, है ना, आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर कॉलर टोन सेट करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप एक बार कॉलर टोन को सेट कर देते हो तो आप दोबारा दूसरे महीने में ही सेट कर पाओगे, है ना। यानी कि एक महीने बाद आप कॉलर टोन को सेट कर पाओगे। अगर आपने एक सॉन्ग को अगर सेट कर दिया अपने कॉलर टोन पर, तो दोबारा ऑप्शन जो है आपको दूसरे महीने में मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे जैसे मैंने एक कॉलर टून सेट किया, चलिए आपको दिखाते हैं कि सेट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे मुझे ये कॉलर टून अब इस पर लगाना है, तो इस पर क्लिक कर देना, आपको इस भी इसी पर क्लिक कर देना, और आपको यहाँ पर देख लेना है कि कौन सा टून है ना। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये सॉन्ग जो है बजने लगेगा। आपको देख लेना है कि आपका कौन सा ट्यून है ना। यहाँ से आप सेलेक्ट करके आप सुन सकते हैं कौन सा ट्यून मेरे कॉलर टोन पर लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही वाला टोन है ना। तो आपको इसी को सेट सेट करने के लिए आप कॉलर टोन पर करना क्या होगा, आपको यहाँ पर सेट देखने को मिलेगा, आपको इसी सेट पर क्लिक कर देना है ना। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने एक ट्यून लगा दिया तो आपको एक महीने बाद ही दूसरा ट्यून लगाने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक ट्यून लगा रखा है, चलिए आपको दिखाते हैं ये लगाने का। सेट पर क्लिक करेंगे लेकिन ये ट्यून यहाँ पर लगेगा नहीं, चलिए आपको दिखा देते हैं। सेट पर क्लिक करते हैं, सेट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक मंथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि ये जो है मैं यहाँ पर लिमिट क्रॉस कर चुका हूँ, है ना। ये एक मंथ बाद मुझे दूसरा कॉलर ट्यून लगाने वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन अगर आपने कभी भी नहीं लगाया तो आप लगा सकते हो, है ना। एक महीने बाद आप लगा सकते हो, अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया तो आप लगा सकते हो, सेट कर सकते हो इसी तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो इसी तरह से आप अपने जियो के कॉलर टून को सेट कर सकते हो अपने फ़ोन में, और अपने दोस्तों को मनचाहा सॉन्ग सुना सकते हो वो भी आसान तरीके से। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।